तो वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रदेश में निवेश होगा और इसके साथ ही विकास और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई बातें बड़ी बातें भी कही हैं। राजस्थान के अंदर एक आर्थिक मजबूती लाने के लिए, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी लाने के लिए इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का आना बहुत जरूरी है। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, जो अलग अलग जिलों में जो बहुत खासियत है उसके लिए प्रोडक्शन की जगह मिले, उसकी मार्केटिंग मिले, उससे इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आएगी। हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, हमारे जो जैसे कीनू हुआ, हमारा कशीदाकारी हुआ, हमारा ब्लू पॉटरी हुआ, उन सबको बाहर तक जाने के लिए हम उसके क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान में बहुत होती है, हम पिच करेंगे राजस्थान को, तो बहुत सारी कंपनी बाहर से आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए। इस तरह से अनेकों सेक्टर है, टेक्सटाइल से लेकर टूरिज्म, आईटी सर्विसेज से लेकर लॉजिस्टिक्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को शामिल करते हुए पेट्रोकेमिकल पार्क, इन सभी में अपार संभावना है। अब दरवाजे खोलने हैं, सबका स्वागत करना है और उनको मदद करनी है। सर, मैं 12.5 लाख करोड़ का जो है एमओयू जो है वो आप लोग कर चुके हैं। सर, अगर हम राइजिंग राजस्थान की बात करें, तब तक कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में आप लाएंगे? सर देखिए, सबसे पहले ही वर्ष में हम इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य यही है कि हम जमीन पे उतारेंगे,